हेलो गाइज, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि D-Link Wi-Fi राउटर में आप लॉगिन कैसे कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है, और इस वीडियो में आपको उसका जो भी यूज़र नेम क्या आपको टाइप करना है और उसका जो भी पासवर्ड है वो क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइज, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वाईफाई को ओपन करना है। वाईफाई को ओपन करने के बाद आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली उस पर क्लिक करके एडवांस्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको एक नंबर शो करा होगा, गेटवे नंबर करके। उस पर आपको सिंपली क्लिक करके इस नंबर को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर मैं सिंपली गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च बार मिलेगा, वहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है इंस्पेक्ट एंड एडिट HTML। तो गाइस, जैसे आप इंस्पेक्ट एंड एडिट HTML टाइप करते हो, जो भी पहला वाला एप्लीकेशन आपको शो कर रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में। तो यहाँ पर गाइस मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दो सर्च बार मिलने वाले हैं। जो भी ऊपर वाला आपको सर्च बार शो कर रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करके जो भी लिखा हुआ है इसे सबसे पहले आपको डिलीट करना है। यहाँ पर मैंने डिलीट कर लिया है। जो भी आपने गेटवे नंबर को कॉपी किया है इसे आपको सिंपली पेस्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपका जो भी वाईफाई का जो भी लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली यूज़र नेम टाइप करना है और पासवर्ड टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम की जगह पर स्मॉल लेटर में यूज़र टाइप करना है। नीचे पासवर्ड में भी आपको सिंपली स्मॉल लेटर में यूज़र ही टाइप करना है, और जो भी आपको कोड शो कर रहा है इसे आपको सिंपली टाइप करना है। यहाँ पर मैं सिंपली टाइप कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने तीनों ही जो भी ब्लैंक्स है इसे फिल अप कर लिया है। यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं मेरे वाईफाई राउटर में लॉगिन हो चुका हूँ। आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने वाईफाई राउटर में लॉगिन कर सकते हो। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।